हाय गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ जीके मैम। मैं हूँ नीलम। जीके मैम के इस वीडियो में हम जानेंगे राज्य सरकार से संबंधित सवालों के जवाब। संविधान के किस भाग में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है? संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। क्या संविधान के भाग 6 में दिया गया राज्य का प्रावधान जम्मू कश्मीर पर भी लागू होता है? नहीं। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनी व्यवस्थापिका है, जहां विधानसभा यानी निम्न सदन और विधान परिषद यानी उच्च सदन का अस्तित्व है? 7 राज्यों में। द्विसदनी व्यवस्थापिका वाले 7 राज्य कौन कौन से हैं? द्विसदनी व्यवस्थापिका वाले 7 राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल पद का प्रावधान करता है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 153 राज्यपाल पद का प्रावधान करता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में राज्यपाल को कितनी महिलाओं को नामजद करने का अधिकार है? जम्मू कश्मीर विधानसभा में राज्यपाल को 2 महिलाओं को नामजद करने का अधिकार है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके सामने शपथ लेता है? राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्यपाल होता है। राष्ट्रपति शासन के समय राज्य का प्रशासन कौन चलाता है? राष्ट्रपति शासन के समय राज्य का प्रशासन राज्यपाल द्वारा चलाया जाता है। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को नियुक्त करता है, जिनका संबंध कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि से रहता है? कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग। क्या राज्यपाल के अध्यादेश को विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम के समान स्थान प्राप्त है? जी हाँ। क्या राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी किसी दोषी की अपराध माफ करने की शक्तियां प्राप्त हैं? जी हाँ। संविधान के अनुच्छेद 161 में इसका उल्लेख किया गया है। राज्यपाल को विवेकी शक्तियों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 167(3) में। पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ कहां का प्रशासक भी होता है? चंडीगढ़ का। किन केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल प्रशासक की भूमिका में होता है? दादर एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप, दमन और दीव में राज्यपाल प्रशासक की भूमिका में होता है। किन केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं? दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया जाता है? जिस पार्टी या गठबंधन को बहुमत मिला हो उसी का नेता मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। भारत की राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? दिल्ली के मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल जीके मैम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जीके से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल और उनके जवाब। टिल देन, बाय बाय, मेक अ नाइस डे।